देखिए दरोगा जी, दरअसल बात जो है ये कूलर ना हमको इलायची जी ने ला के दिया है। अच्छा, तो मतलब तब तो सेठ जी को बताना ही पड़ेगा कि आप सब मिलकर सेठ जी के घर में सेंध लगा रही है। ना ना दरोगा जी, सेठ जी को कुछ ना बताइएगा, नहीं तो ना सेठ जी इलायची जी को बहुत डांटेंगे। क्या ना, देखिए आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी, बस आप ये बात दबा लो, अपने ही तक रखो। मतलब पिंकी जी जो भी कहेंगे आप करेंगे? सच में? सच्ची? देखिए ऐसा है पिंटू जी, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की बात कर रही हैं, जो ठीक है, अब आप कह रही हैं तो ले लेते हैं पिंकी जी। अब इतने प्यार से कह रही है तो पिंकी जी कैसे मना कर सकते ना, ले लेते हैं तो ले ले। ये ले लो। ओके। यार क्या करें भाई, सब मुसीबत ऊपर से आके टपक जाती। अबे कूलर कहाँ गया, क्या हुआ? ओ भाई, पिंकी दरोगा जी आए थे और पता उन्हें पूरा कूलर कांड पता चल गया, अपना मुंह बंद करने के बदले में ना कूलर ही उठा के ले चले गए। यार जीजाजी छत पर है? इलायची जी जीजाजी छत पर है, लेकिन बिना कूलर के पता नहीं कब तक रह पाएंगे। ओए कूलर कहाँ गया? अरे कुछ नहीं इलायची जी, वो पिंकी दरोगा जी आए थे, उन्हें पता चल गया कि वो कूलर आपने हमें दिया था और ये राज सेठ जी से छुपाने के बदले वो खुद कूलर लेके कट लिए हैं। क्या? जी। अरे यार अब तो उन्हें मजा चखाना पड़ेगा, सबक सिखाती हूँ उन्हें। अरे इलायची जी यार, आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइए, इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए, वरना इस कूलर के चक्कर में हम खत्म हो जाएंगे। जी प्लीज, ये बात खत्म नहीं होने वाली है, अब बढ़ेगी ये बात। अरे यार सरयाम बदमाशी इलायची के साथ, इलायची के घर में, नहीं अब तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। मैं देखती हूँ। टंटे तो पकड़ गए, थाने पहुंच गए। पापा। हाँ बेटा। पापा। हाँ आजा। अरे पापा यार, हाँ? वो पिंकी अंकल हमारा कूलर उठा के ले गए हैं। क्या? हाँ। पिंकी ले गया? अरे पिंकी कहाँ से ले जाएगा, हमारा कूलर तो चोरी हो गया था। अरे चोरी नहीं हुआ था, वो तो जीजी के कमरे में रखा था ना ऊपर। क्या? अरे हमारा कूलर अंचल के कमरे में क्या कर रहा था? पापा पंचम केस लड़ ले उसकी तरफ से। पंचम बात कर रही है बेकार की, एक बार था पंचम हमारा कूलर चोरी करके ले गया है? मुझे तो पहले ही विश्वास था इस बात पे कि वो भरोसेमंद लड़का ना है, मैं उसे आज के आज ही नौकरी से बाहर निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तुझे। अरे बस करो, ठंड रखो यार, जीजा जी ने चोरी नहीं किया है, मैंने चुराया था और मैंने उनके कमरे में रख दिया था। फिर तूने चुराया? मतलब तू अपने घर की चीज़ अब दाम दे रही है बाहर, अब तो तू भी भरोसेमंद ना रही। अच्छा, जैसे आपने तो बड़ा विश्वास वाला काम किया, जीजा जी का जीता हुआ कूलर आपने उनसे हथियार लिया, छीन लिया, ये बड़ा अच्छा काम था। कभी सोचा आपने कि जीजा जी को कितना खराब लग रहा होगा, कभी विश्वास कर पाएंगे आप पर? ना करे विश्वास, मुझे कौन सी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी है। वही तो। तो क्या? मेरे मतलब है कि वही तो कि बेटी की शादी नहीं करनी है तो क्या लोगों से उनकी चीजें छीनोगे? इधर देखो पापा, आप मेरा गुरूर हो, घमंड हो मेरा, मेरे हीरो हो, और सबसे बड़ी बात आप मेरे पापा हो, तो फिर आप ऐसे गलत काम नहीं कर सकते, बल्कि मैं आपको गलत काम करने ही नहीं दूंगी, सच्ची बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ बेटा कि तू मुझे कभी भी कोई गलत काम ना करने देगी, तू तो दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है, और भगवान करे कि हर आदमी को ऐसी बेटी मिले। अब कहाँ जा रहे हो अभी? अरे वो कूलर जो मैंने छीना था ना उससे, वो दरोगा से वापस तो ले आऊ। अबे सारी ठंडी हवा तू ही खा लेगा मंगी? हाँ जी बोलिए, अब कैसा मजा आ रही है कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा के? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर एक पुलिस वाला होके आपने हम सब का ध्यान रख के अपनी जेब से खर्चा करके
कूलर लाए, आज आप मेरी नजर में देवता हो गए हैं सर। अच्छा, नहीं पिंकी जी तो पहले ही कूलर ले आते, लेकिन क्या करे पिंकी जी का कोई कूलर हाथ ही नहीं पड़ा था जी। मतलब कि कोई अच्छा कूलर दिखा नहीं ना, इसलिए मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सर। पहले तो मुझे लगा था कि आप ना एक नंबर के मतलबी, 420 और निहायत ही घटिया इंसान हैं। लेकिन सर आपने ना मेरी सोच बदल दी। अरे सुनो पुष्पा, इस अचार के लिए ना मैंने कुछ मसाले धूप में रखे, जाओ बाहर से ले आओ। ठीक है सर। गुड गर्ल। अरे दरोगा जी, कैसी लग रही है हमारे कूलर की हवा है? अरे सेठ जी एकदम जबरदस्त, ऐसा लग रही है जैसे फ्रिज में ठंडी ठंडी सब्जियां पड़ी हो। एक मिनट, हमारे कूलर से आपका मतलब पिंकी जी पूछ रहे हैं? अरे हमारा ही तो है कूलर। अरे जो हमारा किराएदार है ना, जो बरसाती पे रहता है, उसी के यहां से तो उठा के ले आए थे आप। हैं? यानी कि मैंने तुझे पहचानने में कोई गलती ना की थी, तू साले देवता नहीं राक्षस है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपको ना राक्षस ब्रांड वाले कूलर लेके आना चाहिए था, उससे ना ठंडी हवा आती है। अच्छा ये भी ब्रांड है कोई? सेठ जी देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये कूलर आपका वाला कूलर नहीं है, कसम खा रही हो, रोजी की कसम। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं अपने कूलर को पहचानता हूँ और देखिए मेरा इस पे नाम भी लिखा है, आप अपनी आंखों से जाकर देखिए उस पे। नाम? हाँ। कहाँ लिख दिया? पीछे लिखा है कूलर के। अच्छा हाँ देखते। हाँ पीछे देखो उधर, हाँ यही यही यही। क्या कहते हैं दरोगा जी? शेर जी देखिए नाम में क्या रखा है, नाम दरअसल क्या हुआ, पिंकी जी आपको ना बहुत मिस कर रहे थे तो इसलिए आपका नाम लिख दिया पीछे यूं। अरे बेकार की बातें मत करिए दरोगा जी, मेरी मेरी हैंडराइटिंग है वो। बात कर रहे हैं आप भी? पिंकी जी को बचपन से दूसरों की हैंडराइटिंग कॉपी करने की आदत है, इसलिए आपके हैंडराइटिंग में लिख दिया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सावधान, अभी अभी खबर आई है कि ठंडा कंपनी के कूलर ने अपना सारा माल वापस मंगवा लिया है, क्योंकि उनके कूलर शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट हो रहे हैं। इस साल उनके 50,000 कूलर बिके थे, उनमें से 49,999 कूलर वापस आ गए हैं। कोई एक कूलर अभी भी मार्केट में है, ये वो कूलर है जो अनलकी चिप्स में इनाम में निकला था। जिस किसी के पास भी वो कूलर है, कृपया करके लौटा दें, उसके फटने का इंतजार ना करें, वरना वो फट जाएगा। नहीं, नहीं, ये कूलर वो कूलर नहीं है। वही है वही है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब आएगी ठंडी हवा। अरे छटंकी भैया, कुछ निकला क्या? वही बेटर लक नेक्स्ट टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। कारू मैं आ गई। गुलाबो, अरे गुलाबो, अरे आजा बैठ जा बैठ जा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है बुढ़िया? अच्छा ये ले ले चिप्स खा, अब तुझे पता है इसमें से ना इनाम निकलता है। अच्छा? हाँ। अच्छा तेरा अभी तक क्या क्या इनाम निकला? हाँ निकल जाए,
जाएगा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। सुनो भैया, ऐसा एक बात बोलना चाह रहे हैं हम तो बहुत थक गए भैया, समझिए ये खोलते खोलते अभी आखिरी बचा हुआ है, आप ही खोल लो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके 10 रुपए चिप्स के हाँ? मेरा फ्रिज निकला। मेरा फ्रिज निकला। छटंकी भैया, इलायची के पापा है ना, तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोलते हैं। मेरे बारे में क्या बोलते हैं? मैं होस। अल्ले आ बेटा, जल्दी ला, रख दे। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। 250 रुपये सेठ जी, ये ले। ये तो 200 रुपये। हाँ तो रख ले ना, 200 ही रख ले। इतने भी कंजूस ना बनो सेठ जी। अबे बात बोल लिया, चल जा। हाँ जा रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो रखे सबके। अरे करू जी, अरे बेटा बाहर आ, अरे जल्दी आ, आ जा तू भी नीचे ऊपर से। अरे क्या इलायची के पापा, आप क्या घर को गोदाम बनाओगे? अरे गोदाम ना बना रहा हूँ, तू भी बेकार की बात कर रही है, गोदाम बनाओगे तो फिर ये सब सामान। इलायची बेटा, ये जो ऊपर वाला एसी है ना, ये मेरे कमरे में लगेगा, और नीचे वाला एसी तेरे कमरे में लगेगा, और ये कूलर जो है, ये देख कैसे हाथ लगा खड़ा है। ये कूलर मैं पंचम के लिए लाया हूं, इसके कमरे में लगेगा ऊपर। इलू, हम एसी में सोया करेंगे। वाह यार, इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा। हाँ। अब तो आपने देखा ना कि आपका दिल इतना भी सख्त नहीं है। अब तो तू खुश है ना? तेरे पापा का दिल इतना भी सख्त ना है जितना लोग समझते हैं। हाँ कभी कभी, कभी कभी मेरी जबान थोड़ी कड़वी हो जाती है बस। वो तो है, लेकिन नहीं पापा, पता है आपने वर्ल्ड के बेस्ट पापा, तो मेरे हीरो आप। आई लव यू पापा, थैंक यू। हो रखा है। अरे मजाक कर रहा था। सोन सेल्फी ना खींचेगी आज? हाँ हाँ अंकल जी। हाँ तो खींच। हाँ जी चलो। हाँ चलो ले लो। हाँ चल खींच खींच। अंकल जी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। उठो श्याम सुंदरिये, बोलन लग कागा, सांबुली सुरतिया से जिया मोर लागा, सांबुली। अरे यार पिंटू, हारमोनियम खराब हो गया है यार, सुर ही नहीं लग रहा है। भाई तुझे ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक लंगड़ा घोड़ा था ना, उसे रेस में दौड़ना था, और रेस में जब वो हार गया तो पता क्या बोला? क्या बोला? यार ये लोग मंडे को दौड़ क्यों रखते हैं, संडे को छुट्टी के कारण आलस आता है। अबे ओए कहना क्या चाह रहा है तू, मैं क्या संगीत का लंगड़ा घोड़ा हूँ? अरे ना भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अबे क्यों फालतू के मजाक कर रहा है यार, दिमाग मत खराब कर,
पहली हारमोनियम खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा इसे चलाऊं कैसे, मैं शुरू कैसे करूं। यार भाई हारमोनियम खराब हो गया यार, जब एक चीज खराब है तो जाके ठीक करा ले यार, अब ये खुद तो जाएगा ना अपनी मरम्मत कराने। अबे 5,000 रुपए का खर्चा है और इसके ऊपर ये सब्जियां गिराना बंद कर। सॉरी हारमोनियम। अब देखना भाई, तेरे को ये औरत बनने की गलत फहमी में तूने कहीं ये चाय पत्ती या किसी के डब्बे में पैसे पूसे छुपाए हो। छुपाता जरूर छुपाता, लेकिन क्या करें हमारा तो खसम ही निकम्मा है, हाथ खर्चे भी पैसे ठीक से ना देता है। फालतू बकवास मत कर यार, तेरे से बात करना ही ना बेवकूफों का काम है, छोड़ यार। हट, छोड़ दिया। अबे मैं मारूंगा तुझे, कुछ काम कर ले। हाँ जाजा बाहर जा, और बाहर ही खाना खा लियो, मैं ना तेरा खाना बनाने वाला। इलायची जी ये कैसी हरकत है, आप बिना बताए हमारे पीछे बैठी हुई है, हमें पता कितना डर लग गया, ऐसे हार्ट अटैक आ जाता हमें। जीजाजी छत पर हैं? नहीं जीजाजी आपके खेत में जो सांड घुस गया है ना उसे भगा रहे हैं। वाओ जीजाजी कितने डेयरिंग हैं आप यार, मतलब आपने पागल सांड को भी भगा दिया हमारे खेतों से। सुनो मैं ना कहती थी ये सिक्स पैक्स ना ऐसी एवं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं रखे जीजाजी ने। सिक्स पैक्स? अच्छा आपको कैसे पता इलायची जी? ओह जीजाजी इलू की ना नजरें कोई एक्सरे मशीन से कम नहीं है। इलू सेल्फी। देखिए इलायची जी हमारा मूड पहले ही बहुत खराब है, आप प्लीज इस समय चले जाइए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं इलायची जी प्लीज। अरे मूड तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगी ना मैं आपका। एक काम करो, एक ना नॉटी सा गाना सुना दो आप मुझे, फिर ना आपका मूड टिप टॉप हो जाएगा। ये क्या हो गया क्यूटी जीजाजी को, इतना मूड खराब? मुझे इतना किसी की बुरी नजर लग गई जीजाजी को, मैं ना कल काला धागा लेके आऊंगी उनके गले में बांध दूंगी सीधा, है ना। चल पिंडो अभी सोचते हैं क्या कांड हुआ है। चल चल। तेल है नहीं, कुछ है नहीं, इसे ठुसाएं भी तो कहां से ठुसाएं, कुकर भी खाली पड़ा सब, हमारी इतना मुश्किल हो रखी, म्यूजिक डायरेक्टर बने ना बने लेकिन कुछ और ही बन जाएंगे। ओहो पिंडो भाभी इन बर्तनों को किस गुनाह की सजा दे रहे हो? अरे सुनीता जी कुछ नहीं, मूड खराब हो रखा है, कई साला जब देखो पंचम अपनी चलाता रहता है। हाँ? मैं कह रही थी ना कि गुग्गू को ना हर समय अपनी चलाने की आदत है, कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं, बस इसी चक्कर में थोड़ा हमारा मूड खराब हो गया था। ओ पिंटू भाभी लेकिन पति पत्नी में तो टकरार बड़ी आम सी बात होती है, इससे तो प्यार बढ़ता है नहीं? अब वो तो बात ठीक है इलायची जी, लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि गुग्गू का हारमोनियम खराब हो रखा है, अब उसे ठीक कराने के लिए 5,000 रुपए लगेंगे, अब ठीक कराने के पैसे नहीं तो सारा गुस्सा ना हम पे उड़ेल दिया। फिर ये हारमोनियम कैसे ठीक होगा? अरे खुद ही कुछ जुगाड़ करेगा साला। मेरा मतलब गुग्गू कुछ जुगाड़ करेंगे, सेठ जी से बात करेंगे, उधार सुधार लेंगे उनसे, और फिर आगे पीछे निपटाते रहेंगे, कटता रहेगा उनकी तनख्वाह से। नाइस। वाह छोटे वाह। ये वाह था छोटे। हाँ? तेरे हाथ में ना जादू हो रखा है एकदम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी। हाँ? एक मेरे बहुत पुराने कस्टमर थे धनीराम। हाँ? धनीराम भी यही बोलते थे। बोलते थे मतलब आप ना बोलते हैं? ना ना बोलते तो हैं, लेकिन क्या है जैसा अभी तुमने बोला ना मेरे हाथ में जादू है। हाँ। एक दिन मेरे हाथ का जादू उनकी ऐसी जो गर्दन है ना उनकी गर्दन पर चल गया, फिर उनकी बोलती बंद हो गई। ठीक जी। हाँ। मजा आ रही है? हाँ, हाँ। अब लो ऐसी करियो गर्दन थोड़ा। ना 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 एक बार सुन तो, नहीं सुन तो ले आज। हाँ। जो है मेरी गर्दन एकदम खुली खुली सी है, है अगर तूने ज्यादा खोल दी तो तेरे हाथ में आ जाएगी, समझ रहा है तू? अरे मुझे थोड़ा सा कड़क लग रही है। ना 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 ढीली कर ढीली कर। 1 2 3 और इलायची कैसी है? अरे हट्टी कट्टी है तेरे जैसा को लात मारने के जैसी है, बात कर रहा है डक। अरे क्या सेठ जी किसे लात मार रही हो? अरे हाँ अरे भाई साहब अरे लात मार रहा हूँ इसे, ये जो मूंग दल्ले है मेरी छाती पे बैठा हुआ यहाँ।
क्या हुआ भाई साहब? हैं? आईने में दिख रहा है सब भैया, क्यों घूर रहे हो? मौसा, तुम सेठ जी को ऐसे क्यों घूर रहे हो? सेठ जी को देख के मौसी याद आ गई क्या? अबे नहीं छोटे, सेठ जी ऐसा है, तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ होने वाली है। अरे भाई साहब क्या है ये? जब आप आते हो ना बुरी खबर ही लाते हो, और मेरी कुर्सी के नीचे बम का धमाका करके चले जाते हो। क्या बात है, क्या खबर है बताओ तो। अरे सेठ जी चोरी होने वाली है तुम्हारे घर पे, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। भाई मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। सुन छोड़े, ये तेरे मौसा जब भी आते हैं ना कुछ ऐसी खबर लेके आते हैं, दिमाग खराब हो जाता मेरा। तो चोरी होने वाली है क्या सेठ जी? क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, वो अभी छोटे का मौसा जी आए भविष्यवाणी करके गए हैं कि मेरे घर चोरी होने वाली है। चोरी? हाँ। आप क्या? ना 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 सेठ जी, ऐसी कोई चोरी कहीं नहीं होने वाली। ऐसा कोई चोर चांदनी चौक में ही नहीं घूम रही है। पिंकी जी को सब पता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के बाहर सूख रहा तेरा कच्छा जो तूने आज पहनना था, वो तक चोर उठा के लेके गया, और तू बोल रहा सब पता है साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये काम ना कच्छा बनियान गैंग का हो सकता है। हाँ मंगी तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मंगी को भेज दो मेरे यहाँ पहरेदारी के लिए। क्या अभी? क्यों क्यों? अभी चोरी तो हुई ना है? ना ना, अरे अगर मंगी आपकी दुकान के बाहर आ गया तो चोरी होगी ही नहीं। चोरी होगी नहीं तो केस ही नहीं बनेगा। ना ना सेठ जी, मजा ना आएगा ऐसे ना। देखो ऐसा है कि पुलिस जो है ना वो हमेशा वारदात के बाद आती है, ऐसी आदत। देखिए क्या है ना, वारदात के पहले आके हम अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहते, नाम खराब हो जाएगा सेठ जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चोरी होने के बाद तफ्तीश करेगा साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि पुलिस ऐसे वैले थोड़ी ना है, और भी काम है। हाँ मंगी बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे आज वो अचार सारा का सारा सूखने डालना है धूप में। चलो सेठ जी हम जा रहे हैं। चल चल, अच्छा तो याद दिला। चल चल आइए हट बे। अरे दरोगा जी ध्यान रखियो। आप अपना ध्यान रखना सेठ जी। आइए सर। और इलायची कैसी है? कैसी है? बड़ा अच्छा लगा तू आज मेरे ऊपर।